सदियों नमस्कार वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज के और एक नई वीडियो में आपको मैं तेवीस बाई पच्चीस फीट में बना हुआ घर का जो है नक्शा दिखाना चाहता हूँ ये हमारे जो क्लाइंट मुंबई से थे तो उनको जो है ये वाला प्लानिंग दिया था डोर मुचरे ये वाला जो प्लानिंग दिया था और इसके अंदर देखिए डुप्लेक्स हाउस है ओके इसके अंदर व, आ, वन बेडरूम किचन कॉमन टॉयलेट एन बात और हॉल है तो अगर आप फर्स्ट फ्लोर में बनाना चाह रहे हैं तो भी बना सकते हैं समझो इसके ऊपर जो है ना और दो बेडरूम ले सकते हैं या फिर एक हाँ दो बेडरूम आप इजीली ले सकते हैं विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ सो बने रहे वीडियो में अगर किसी को भी हाउस प्लान थ्री डी फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन थ्री डी कट सेक्शन आर सी सी स्ट्रक्चरल डिटेल्स इस तरह से सर्विस चाहिए तो संपर्क कर लीजिएगा मोबाइल नंबर एट जीरो नाइन फाइव सिक्स वन फाइव डबल वन थ्री चलिए दोस्तों बात करते हैं इस प्लान के बारे में मैं जूमआउट करके दिखा दूँगा ये है पूरा फुल व्यू इस घर का जो नक्शा आप देख रहे हैं ईस्ट फेसिंग है और एंट्रेंस दिया गया है यहाँ पर हॉल हॉल का साइज़ तेरह फुट नौ इंच बाई तेरह फुट तीन इंच में मिल जाएगा इधर जो आता आपका सोफा सेट के लिए जगह वहाँ पर सोफ़ा बोल को लिखा हुआ देखिए उधर और सामने की तरफ टीवी यूनिट आ जाएगा मेन जो बेसिक थिंग रहता है देखो वो आपको मालूम होना चाहिए और उसके साथ स्टेरकेस जो है ना क्लाकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा जो कि किचन किचन और हॉल के बीच में जो दरवाज़ा रहता है देखिए उसके और जो हॉल बोल को लिखा हुआ है ना वो सिर्फ वहाँ तक ही सीमित है अगर आप स्टेयरकेस का जगह छोड़ के उतना जगह बच रहा है मतलब आप स्टेरकेस के नीचे का जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे वो और एक लाइक किचन कम डाइनिंग एरिया के जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको कैसे जब इस इस्त... कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बोलो ओ... किचन के बाजू में से स्टेयर जा रहा देखो उसको जो है आप एंटी क्लॉकवाइज मतलब जहाँ पे डॉट डॉटेड है देखो वहाँ से अगर आप लोग स्टेयर शुरू करें समझो किचन कम डाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं दो ऑप्शन है आपके पास और घर के अंदर जो भी एंटर करें तो तुरंत वहाँ से भी जा सकते हैं दो ऑप्शन है आपके पास इस तरह से दिया गया ओके फिर उसके साथ एंटर करते घर के अंदर सो किचन में देखिएगा किचन कट आ जाएगा इक्कीस इंच तो मिनिमम रख लीजिएगा बिकॉज जब आप रोटी और रोटी पकाने वाला जो स्टोर रहता है था देखो उस समय क्या होता है दोस्तों स्टोर रखने के बावजूद भी आपको और भी जगह चाहिए तो उस समय वो वाला आपको हेल्पफुल हो जाएगा फिर उसके साथ कि uh, स्टोरेज के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ जगह मिल जाता है स्टैंडिंग किचन है ऐसा नहीं है कि uh, हम uh, कोई खाना पकाए साथ में वहाँ पर बैठ के भी हम खाना खा सके ऐसा नहीं हो जाता और उसके साथ देखिएगा बेडरूम आ रहा आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ दस बाय दस फिट का बेडरूम बेड साइज सात बाय पाँच वो पकड़ के इतना जगह बस्ता देखो आपको साइड साइड में और उसके साथ शेलूज भी आ रहा शेलूज जो है छः फुट का ऐसा व्रत में मतलब छः फुट ऐसा और मोटाई में अठारह इंच इस तरह से आ जाता कॉमन टॉयलेट बाद टॉयलेट सीट का पोजिशन भी दिखाए तो टॉयलेट सीट के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहता है एक तो आपका जो बैग रहता देखो साउथ की तरफ तो रहना या फिर नॉर्थ की तरफ है तो भी चल जाता ऐसा है समझो और बाहर जाने के लिए एक छोटा सा जगह है बिकॉज उन वो जो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट का रिकॉर्ंट के हिसाब से हम दिए गए नौ कॉलम का अंदर है और इस घर का जो कंस्ट्रक्शन आप लोग बना सकते हैं लगभग दस लाख तक एक एस्टिमेशन है दस बारह लाख तक और देखेंगे क्या होता है वो बाद की बात है सो so, कॉलम uh, का साइज नाइन बाई फिफ्टीन इंचज़ है टोटल नाइन नंबर ऑफ कॉलम्स इस तरह से दिया गया और कई कई लोग सोचते हैं कि इसका फर्स्ट फ्लोर कैसा आएगा बोल के देखिएगा दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर जो है आप लोग एंटर uh, करते सी डी से सीढ़ी से एंटर करने के बाद यहाँ डॉटेड जो है देखो उधर तक आ जाते हैं वहाँ आने के बाद एक बिग साइज़ हॉल ले सकते हैं आप लोग ऊपर भी और उसके साथ जो है ना किचन का जो आ, ये जो कॉलम जा रहे हैं देखो बेडरूम का कॉलम्स है ना वो लेवल पे जो है ना दो बेडरूम बाई टू करके दो बेडरूम आप लोग ले सकते हैं प्लस टीवी यूनिट जहाँ पे उधर एक टॉयलेट रूम भी ले सकते हैं कॉमन में तो इस तरह से ले लीजिएगा तो बेस्ट रहता है और जो क्लाइंट को दिया है वो भी काफ़ी खुश है थैंक यू सो मच